तो जैसे ये मैडम हर एक पे उठा के पैर को रख रही हैं, आप समझ रहे हैं? आपके साथ पैर सीधा नहीं रखना है, जैसे हर बार उठाने की कोशिश है, चाहे आपको कितना भी सपोर्ट लेना पड़े मुझसे, पैर ऐसे उठ के और सीधा ही जाएगा। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अक्सर पैर पीछे जा रहा है आपका, तो पीछे बैलेंस नहीं कर पा रहा है बॉडी, तो पैर को हर बार स्ट्रेट ना करके यहाँ रखिए। जैसे ही पैर उठा के अपन ने आगे रखा, तो आगे रख के पैर को लॉक करके पीछे मत जाइए, आप आगे ही रखिए अपने आप को, पेल्विस को तुरंत आगे शिफ्ट करो। जैसे ही पैर हमने पीछे से आगे उठा के रखा, तो पेल्विस जो पीछे रह रही है आपकी, उसको उठा के कमर को आगे कर दो, अपने बैलेंस बेटर होगा। ठीक है, पहले मैं एक बार हाथ से पकड़ के चलवाऊँगा, एक तरफ स्टिक है, एक तरफ मेरा हाथ है, ठीक है, फिर ये हाथ भी छोड़ेंगे। ओके, आइए पहले पास में। अब पैर को जैसे उठा के बताया मैडम ने, ऐसे उठाओ, रखो, गुड, चलते जाओ, गुड। पंजे की कोशिश ना करें, पंजा रखने की कोशिश ना करें, इस पर पैर पूरा पकड़ने दीजिए। यस, झटके से पैर जो स्ट्रेट लास्ट तक एकदम जल्दी सीधा हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए, बैंड रहना चाहिए। यस, गुड 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 नाइस एंड लास्ट। अब आपकी आपको मिस्टेक समझनी होगी, मिस्टेक क्या हो रही है, हर बार आप हवा में पैर को स्ट्रेट कर देते हैं। ये पैर हवा में स्ट्रेट अगर यहाँ हो गया, तो पंजा नीचे चला गया आपका। तो आप बेसिकली दो गलती कर रहे हैं, एक तो जब उठाया यहाँ तक सब सही है, लेकिन यहीं सीधा कर रहे हैं आप, दूसरा पंजा टिका रहे हैं पहले, तो इससे झटका आ रहा है आपको, तो ये नहीं करें। आपको आप मुझे देखिए, मैं जब चलूँगा तो मैं नीचे रखने के बाद ही थोड़ा बहुत सीधा कर लेता हूँ, आप क्या कर रही हो, आप यहाँ ऐसे सीधा कर रहे हो, इससे बचो। अगर आपने हवा में रख के स्विंग फेस ये होता है, स्विंग फेस में अगर आपने जर्क दिया, तो आप बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो रखनी है, स्मूथली रखिए, आराम से स्टार्टिंग से ही लास्ट तक फील करो कि बैंड रहे, प्रॉपर बैंडिंग के साथ चलो, स्मूथनेस लास्ट तक ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ऊपर उठाया और उठा के जो जब तक ज़मीन पर टच नहीं हो रहा, तब तक जर्क नहीं देना है। एक बार और करेंगे कोशिश, ठीक है, आगे। पंजा टिका था, नहीं टिकना चाहिए, पूरा पैर जाना चाहिए, एड़ी की कोशिश करो अब। चलो देखो, फिर सीधा हुआ पैर, सीधा होने से बचना है, नहीं फिर से पंजा टिकाया गया जी, पंजा नहीं टिकना है, पैर टिकना है। चलो शाबाश, चलो, बैंड भी नहीं होना है आपको, आप बैंड नहीं होना है, पंजे टिकने से बचाओ बस, पूरा पंजा टिका दिया करो, मतलब पूरा पैर रख दिया करो नीचे की तरफ, केवल फीट को टच नहीं करें, जैसे हर बार इसके साथ हो रहा है, फीट टच हो रहा है हर बार, आप कोशिश कर रहे हो पूरा टच करने की, वहीं हवा में स्ट्रेट हो रहा है पैर, हवा में स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। कम ऑन, चलिए फिर से, देखिए ये मिस्टेक, डर क्यों रहे, जब मेरे हाथ में हैं आप, पूरा वेट रखो, आओ पेल्विस पीछे मत रखो, फिर से पंजा टच, हर बार सेम मिस्टेक दोहरा रहे हैं आप, ये बेटर है, इसके साथ भी बेटर करिए, गुड, ये बेटर हुआ, चलो चलेगा, फिर से चलेगा, गुड नाइस, नाउ यू कंट्रोलिंग ऑल थिंग्स। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ थी, इसमें आपने पहल की है, आप समझो, ये मेरी तरफ देखिए, आपने अब पहले लास्ट के जो चार कदम थे या छः कदम थे, उसमें आपने केवल एडी टच की है, मैं वही समझा रहा हूँ। कोई भी दुनिया में ऐसे नहीं चल सकता, आप जैसे चलने की कोशिश कर रहे हो, कोई ऐसे करके ऐसे नहीं चल सकता, सबके झटका आएगा, समझ गए? हमको हमेशा एड़ी ही टच करनी है और फिर स्मूथ लैंडिंग करनी है। लैंडिंग जितनी स्मूथ होगी आपकी, इस पार्ट को जितना आप स्मूथली कर पाओगे, उतना झटके से बच जाओगे। झटका नहीं आया तो अनबैलेंस नहीं होगे, अनबैलेंस नहीं होगा तो ब्रेन अपने आप समझदारी दिखाएगा, झटके को ब्रेन समझ नहीं पा रहा है। एक बार और कोशिश करेंगे, ठीक है, राइट, थोड़ा सा झटका और कम, स्मूथ लैंडिंग करो, कोई बात नहीं, एक दो गलती से कोई फर्क नहीं पड़ता, चलते चले जाओ। यस, उठाओ, टच, गुड नाइस, ये अच्छा था, यस ये चलेगा, झटका नहीं, आराम से टच, यस परफेक्ट, कम ऑन,
touch smooth. Come on, touch smooth, smooth. Yes, good. Come on, छोड़ दो उनको, बीच में ही डाल दो, कोई जरूरत नहीं उससे टच करने की. Yes, good. Come on, lift and smooth. Touch. Come on, nine, smooth. वो उठा नहीं था पैर, चलिए दोबारा. Yes, उठाइए ऊपर. Smoothly, smoothly. Yes, perfect. Come on. And slowly. Good. Come on. Uplift and relax. गलत था, दोबारा से करिए, कोई बात नहीं, होने दो गलती. चलो उठाओ. And yes, चलेगा. Smooth, एकदम smooth. Yes, perfect. Up, up. वापस पीछे करो, गलती नहीं. Up and down. वापस पीछे करो, फिर गलत था. Up and down smoothly. Yes, ये perfect था. Up on, come on, come on. Up, left go. And down smoothly. Perfect. And down smoothly. बस ये अगर आपने कवर कर लिया तो आप एक्चुअली अच्छे वाले लेवल पे आ चुकी है. ये मिस्टेक की अब गुंजाइश नहीं है. मैं इसीलिए आपके साथ जब भी देख रहे हैं, मैं हमेशा स्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ, इस चीज़ को आप स्मूथली नहीं छोड़ सकते. केवल सब कुछ यहाँ से लेके ये बहुत अच्छा आ चुका है आपका, जितना किसी भी पेशेंट पे नहीं आने में बहुत टाइम लग रहा है. आपका इतना अच्छा आ गया है तो बस लास्ट में ये और ये क्यों है ना, वो हो रहा है अपने आप. कोई बात नहीं, आप जानबूझ के नहीं कर रहे, वो मिस्टेक से हो रहा है, पर हमें समझ नहीं है. आपने जब ये समझ लिया कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 70% हमारा काम सही होगा यहाँ तक, अब केवल ये और ये बचाना है, तो ही चीज़ है. तो ये मैंने क्या किया, मैंने स्मूथली टच किया. टच को फील करो, ऐसे जाओ आराम से और फिर उठाओ, फिर सेम स्मूथली टच करो और डाउन कर दो धीरे से. ये फेज़ आप क्लियर कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. एक बार आप कोशिश कराओ बेटा. परफेक्ट लैंडिंग, बहुत प्यार से करो, प्यार से, जैसे कोई ऐसी चीज़ पड़ी है नीचे कि उसको लग जाएगी, टच हो जाएगी उससे. स्लोली, बढ़िया, उठाओ. हमेशा स्टिक्स, यानी कि राइट साइड में मिस्टेक हो रही है कुछ. बड़ा कदम है, छोटा कदम करो, इतने बड़े की ज़रूरत नहीं है. फिर राइट में गलती हुई, उठाओ. लेफ्ट उठाओ, लेफ्ट एकदम परफेक्ट आ चुका है. राइट को उठाओ और ये कंट्रोल, राइट की मिस्टेक हो रहा है. चलो कम ऑन, स्लोली डाउन, गुड. उठाओ, इजी 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 इजी. यस परफेक्ट, चलो परफेक्ट, गुड. कम ऑन, स्मूथ स्मूथ. यस, साइकिल को क्लियर करो, राइट की साइकिल क्लियर नहीं है, लेफ्ट की क्लियर है, एकदम परफेक्ट. उठाओ, यस, घुमा के, गुड. कम ऑन, अब मैं सिर्फ राइट पर फोकस करूंगा. लेफ्ट घुटने, राइट पैर को उठाने में लेफ्ट घुटने का बड़ा रोल है. हो क्या रहा है कि आप इसको लॉक ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा कर रही हो लेफ्ट को. अब अगर मान लेते हैं मैंने ये उठाया और ये फंस गया तो क्या होगा, ये पैर अपने आप पीछे खिसकेगा, खिंच रहा है ये पैर, आप नहीं कर रहे हो, ये आप समझ नहीं पा रहे. ये लॉक ज़्यादा है, टाइट खींच रखा है आपने गिरने से बचने के लिए, इसलिए ये उठा के तो आपने किया, लेकिन ये इसकी लेंथ ज़्यादा है तो ये पीछे चला गया. इसी दौरान क्या करना था, ये जब आया आया आया, आपको ये घुटना थोड़ा सा रिलीज़ कर देना है, जिससे उसकी लंबाई मिल जाए, उस स्टेप की पूरी लंबाई को कम ना करें. ये लॉक करने के बाद दोबारा समझिए, मैं अगर आपकी तरह चलता हूँ, ये मैंने पकड़ा और ये मैंने उठाया खूब लंबा, लेकिन आएगा तो वहीं पीछे. अब इसी में को मैं सही करता हूँ, मैंने ये लॉक किया, मैंने उठाया, लेकिन अब घुटने को बेंड करके देखो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ. देखा मेरा, मैंने ये डिस्टेंस कैसे कवर की, क्योंकि मैंने ये घुटने का लॉक रिलीज़ किया, छोड़ा इसको, इसी को छोड़ना है आपको, ठीक है. एक कोशिश दोबारा, सेम चीज़ दिखाओ, आराम से उठाओ उसको, थोड़ा लॉक को लूज करो, बस वापस दिखो. चलो कम ऑन, कम ऑन एंड यहाँ वापस पीछे ले जाओ, इसी को करो प्रैक्टिस, इसको टच करो, उठाओ, देखो कैसे टच करो, उठाओ ऊपर लाओ एंड यहाँ लाओ. यस, कुछ बेटर, पीछे देखे जाओ दोबारा, इसी में प्रैक्टिस करो, इसको लॉक तोड़ देना बीच में, अभी नहीं, बीच में आओ आओ एंड तोड़ो, गुड. आज आपने मन से किया, आज आपने जिद मानने की, करना ही करना है, इसलिए कर रहे हैं. हमेशा आप सोचो, जब आप आ गए सेशन के लिए तो आज के सेशन का आपका एम होना चाहिए कि आज मुझे कितना अच्छा करना है, ये वाली चीज़ उसके पीछे पड़ गया, टीम भी पड़ गई, आप भी
चीज़ें अपने आप मिलेंगी। देखो सेशन का ड्यूरेशन केवल 20 मिनट रहने के बाद आपको उस 20 मिनट में सफलता मिल गई रही है। आप सोच कर होता है कि मिले, आप कोशिश ही नहीं करो। जैसे आपने राइट पैर के साथ कंट्रोल करके दिखाया, अगर आप किसी चीज़ को पकड़ के रखें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप केवल इतना सा रखो कि जो बता दिया गया वो जब तक नहीं होगा आप उसके पीछे पड़े रहो, एक ही टास्क को मैनेज करो। आज 20 मिनट में केवल आपने कवर कर दिया, कल 10 मिनट लगने चाहिए, ठीक आधा टाइम लगता है, इतना समझाने में टाइम पेश होगा ना।